नमस्कार, मैं अब्रारुलक रहमानी, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। महाराष्ट्र में जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जी हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जिस तरीके से भाजपा की ओर से उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है, हालांकि वो दो बार के कार्यकाल को पूरा कर चुके हैं एज अ मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में, लेकिन फिर भी उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया है, तो ये बड़ी बात है उनके लिए। और उनको एक तरीके से भाजपा में जो उन्होंने वक्त दिया है, जिस तरीके से अपने जीवन के बहुत सारे समय को भाजपा के लिए लगा दिया, फिर भी उनको जो सिला मिला वो डिप्टी सीएम के रूप में मिला। जी हाँ, इसके बाद जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस का मिजाज जो है वो बदलता नजर आ रहा है, जिस तरीके से उनका मन मुटाव पार्टी के साथ देखने को मिल रहा है, ये बड़े बात को दर्शा रहा है कि महाराष्ट्र में आने वाले समय में हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस जो है एक बड़ा सियासी संकट खड़ा कर सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस की अगर मैं बात करूं तो वो जवानी के दिनों से भाजपा से जुड़े हुए हैं। जब कोई नेता किसी पार्टी को इतना समय देता है, उसके बाद उसको फल स्वरूप अगर इस तरीके से डिप्टी सीएम का पद दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि उनके मन को चोट लगेगी। और उसका नतीजा क्या होता है राजनीति में, आप बखूबी जानते हैं। नतीजा उसका ये होता है बगावत। बगावत और बगावत जब करता है कोई लीडर अपनी सरकार से या अपनी पार्टी से, तो उसका सीधा नुकसान जो होता है वो पार्टी के रूप में झेलनी पड़ती है, या तो सरकार अगर चला रहे हैं आप तो सरकार आपकी गिर जाती है, और उसके बाद उसका जो कोई तोड़ है वो आप कहीं भी तलाश नहीं सकते। तो ये एक बड़ी बात है, भाजपा को ये सोचना चाहिए कि देवेंद्र फडणवीस जैसा बड़ा नेता उसको हम डिप्टी सीएम के पद पर कैसे बिठा सकते हैं। लेकिन डिप्टी सीएम के पद पर देवेंद्र फडणवीस ने किसी न किसी तरीके से उस पद को अपना तो लिया, लेकिन आने वाले समय में क्या उस पद के साथ वो खुश रह पाएंगे, क्या उनको राजनीतिक जीवन में वो खुशहाली मिल पाएगी उस पद के साथ, जो पद वो चाहते थे, जो उनके मन में एक बनाव था कि उनको सीएम के तौर पर महाराष्ट्र में पेश किया जाएगा, सीएम की गद्दी पर उनको बिठाया जाएगा। जिस तरीके से मीडिया में लगातार खबरें चल रही थी, उस लिहाज से अगर हम देखें तो फडणवीस जो हैं वो पूरी तरीके से मानसिक रूप से तैयार हो चुके थे एज ए सीएम महाराष्ट्र में बैठने के लिए अपनी गद्दी पर। लेकिन अचानक से एक फैसला आता है हाईकमान की तरफ से और उनका जो ख्वाब है वो एक तरीके से चकनाचूर हो जाता है। लेकिन बड़ी बात यही होगी कि आने वाले समय में क्या देवेंद्र फडणवीस इस कुर्सी के लिए बगावत कर सकते हैं पार्टी के साथ। और ये जो अभी की बयानबाजी उनकी चल रही है, सूत्रों के हिसाब से जो खबर आ रही है, हो सकता है कि आने वाले समय में देवेंद्र फडणवीस कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं अपनी पार्टी के खिलाफ। ये थी एक खास रिपोर्ट महाराष्ट्र की राजनीति पर। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़ को। धन्यवाद।